फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लेकर आई हूँ यूपी टीजीडी से बड़ी अपडेट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 7 और 8 अगस्त को यूपी टीजीडी की एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, और इससे निकल कर आ रही है एक बड़ी अपडेट जहाँ पर छात्र ये कह रहे हैं कि ये परीक्षा दोबारा करानी चाहिए क्योंकि पेपर लीक हो गया है और इसमें धांधली हुई है, इस वजह से पेपर को दोबारा होना चाहिए। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है, और जहाँ पर इस चीज़ के पीछे लोगों ने बहुत सारे जो है सोशल मीडिया साइट्स पे और आंदोलन भी इस चीज़ का करा बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस चीज़ से रिलेटेड क्या बड़ी खबर आई है। और छात्रों का ये भी कहना है कि दोबारा इस परीक्षा को मंडल स्तर पर कराया जाए। और जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे गैंग सॉल्वर्स, मुन्ना भाई वाले लोग पकड़े गए हुए हैं, उन पर कड़ी जांच हुई है। बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद ये पता चला है कि, और आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जब संज्ञान लिया गया तो उन्होंने बताया कि पेपर जो है किसी भी प्रकार से कोई भी लीक नहीं हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई है इसमें। और जहाँ पर भी इस चीज़ की धांधली की न्यूज़ आई है, जहाँ पर लोग सॉल्वर गैंग्स पकड़े गए, तो इस चीज़ के पीछे जो है वहाँ पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी कहा है उन्होंने। तो ऐसे में सभी के मन में एक बड़ा ख्याल आ रहा है कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी कि नहीं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ के साथ हैं कि परीक्षा को रद्द हो जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं या जो जितने भी इस धांधली में मिले हुए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और उनको जो है सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर बात आ रही है पेपर रद्द होने की, तो आपको मैं बता दूं साफ साफ कि पेपर रद्द नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि पेपर रद्द होगा, मतलब कि 95% मान के चलिए कि पेपर तो रद्द होने वाला ही नहीं है। क्योंकि साफ तौर पर जब DM की तरफ से और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से ये चीज़ बोल दी गई है कि कोई भी जो है पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसके आगे कोई कार्रवाई हो, इस चीज़ के लिए रद्द होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और देखिए, मेरे हिसाब से भी देखा जाए तो जो पेपर रद्द कराने का है, परीक्षा रद्द कराने का कोई तुक भी नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत दी है, इतनी कड़ी पढ़ाई करी हुई थी अपनी, और वो 2020 से इस चीज़ की प्रिपरेशंस भी कर रहे थे बहुत सारे अभ्यर्थी, तो उनका मनोबल इस तरह से गिरेगा, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से जो है चाह रहे थे कि उनका जो है मौका मिले। अगर उन्होंने पेपर हो गया है तो मेरे हिसाब से भी ये रद्द नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग अपना आराम से TGT PGT का पेपर दीजिए, जो PGT का आने वाला उसका पेपर दीजिए, और LT ग्रेड्स की भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आप लोग उसमें अप्लाई करिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज बहुत आएंगी, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपका कहीं ना कहीं होगा। लेकिन परीक्षा रद्द कराने से और ये सब आंदोलन में और ये सब में फर्जी में अभी दिमाग मत लगाइए इन सब चीज़ों में, आप अपनी पढ़ाई पर लगाइए कि ठीक है जो वैकेंसी निकल रही आप उस पर तो अप्लाई करिए कम से कम। वो सब चीज़ें वाद विवाद बाद में चलते रहेंगे, लेकिन अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, और आप जो सीट्स निकल रही, वैकेंसीज निकल रही, उनमें एक सीट आपकी हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है, बाकी 1000 लोगों की तरह तो अभी कर दीजिए, ताकि आपको भी मेरे चैनल पर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।